बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म थलाइवी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है तभी से हर कोई कंगना की तारीफ कर रहा है। वहीं कंगना अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में है। अब कंगना रनौत ने खुलेआम बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर फरहान अख्तर को खरी खोटी सुनाई है। दरअसल हाल ही में फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में तौसिफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब कंगना ने एएनआई के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर को ऐसी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा, इन लड़कों का हिंसा या अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुख्य अपराधी ने पुलिस को बताया है कि उन्हें मिर्जापुर सीरीज से उस लड़की को मारने की प्रेरणा मिली जिसने उसे रिजेक्ट किया। प्रिय फरहान अख्तर, उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि कला का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह की हर मौत में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। दुखद। आपको बता दें 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निकिता को बल्लभगढ़ में उसके कॉलेज के बाहर ही तौसिफ नाम के एक लड़के ने गोली मारी थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसे देखकर हर कोई दहल गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी तौसिफ मिर्जापुर वेब सीरीज के किरदार मुन्ना से बहुत प्रभावित था और इसीलिए जब निकिता ने उसके साथ जाने से मना किया तो उसने गोली मार दी। यहां आपको ये भी बता दें कि कंगना ने पहली बार फरहान अख्तर पर निशाना नहीं साधा है। इससे पहले भी कंगना ऋतिक विवाद के दौरान फरहान अख्तर ऋतिक रोशन का साथ दे चुके हैं, जिसके बाद कंगना और उनकी बहन रंगोली ने फरहान अख्तर को लताड़ लगाई थी। कंगना पर फरहान अख्तर के पिता जावेद अख्तर ने भी मानहानि का मुकदमा कर रखा है और हाल ही में मुंबई मजिस्ट्रेट ने एक्ट्रेस के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जावेद अख्तर ने कंगना पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना के इन ट्वीट्स पर फरहान अख्तर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।